सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। मेरे साथ मिल दोहराएंगे, हे प्रभु तू सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, हम तेरे शुद्धतम पवित्रतम वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के सभी संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय भद्रपुरुषो मातृशक्ति, हम लोग मंत्र प्रतिदिन लगभग एक तो वो अवश्य ही बोलते हैं, जीवेम श्रद्धे सतम शुणुयाम श्रद्धे सतम। हम 100 साल तक जीने की कामना करें, 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने, 100 साल तक बोलें। कई बार चिंतन होती है कि व्यक्ति 100 साल तक जी नहीं पाता, आजकल अल्प आयु में ही लगभग कहीं ना कहीं इस संसार से जाना पड़ जाता। और कई बार तो देखने में आता है, इस कोरोना काल के बाद तो हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, टीवी पे भी रिपोर्ट आती है, डॉक्टर से भी जब चर्चा हम लोग करते हैं तब वो कहते हैं महाराज ये सब कोरोना काल का असर है, कोरोना जो आया उसके कारण ये अटैक बढ़ रहे हैं। लेकिन देखने में आया जिन्हें कोरोना काल में कोरोना हुआ उन्हें अटैक नहीं आया, जिन्हें नहीं हुआ उन्हें आ गया। इसलिए ये भी सही मालूम नहीं व्यक्तियों को कि भाई कोरोना जिन्हें हुआ उन्हें आना चाहिए था, जिन्हें नहीं आया उन्हें अटैक। तब ने कहा महाराज जिन्हें कोरोना हुआ था वो तो स्वस्थ हैं, भी ठीक हैं, और जिन्हें कोरोना नहीं हुआ उन्हें अटैक हो गया। तब व्यक्ति आकाश की ओर हाथ कर करके कहता महाराज बस ये तो सब वही जानता, जिसने शरीर को बनाया है, जो इसका ड्राइवर है, जो इसके इंस्ट्रूमेंटों को चलाता है, सारी टेक्नोलॉजी जानता है, इस शरीर को बनाने वाला परमात्मा है। सारे इंस्ट्रूमेंट उसके जैसे परमात्मा दिखाई नहीं देता ऐसे ही उसके इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई नहीं देते, दीप चक्कर के बता देती, खट्टा मीठा काम सुनकर के बता देते, बूढ़ा जवान शरीर के अंदर भोजन को रगड़ने की, घिसने की, रस बनाने की, छानने की सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट आज तक भी कोई नजर नहीं आया। कैसे घिसते हैं, कैसे छानते हैं, कैसे उस खाए हुए भोजन से किए हुए भोजन के द्वारा रस बनता है, रस से कैसे रक्त बनता है, रक्त से कैसे मज्जा बनती है, मज्जा से कैसे मांस बनता है, इस सब का मालूम तो केवल परमात्मा को ही है। कितने भी शरीर के अंग प्रत्यंगों का ऑपरेशन कर करके आप चेक करें इंस्ट्रूमेंट में कोई नजर ही नहीं आता। बोले सब परमात्मा का ये बनाया हुआ सब शरीर है, उसी के इंस्ट्रूमेंट है, उसी के साधन है। फिर इधर परमात्मा वेद के अंदर मंत्र संकेत करता, विचार देता कि 100 साल तक जियो और उसके बाद भी योग अभ्यास के द्वारा 2 साल से अधिक जीने की कामना करो, योग अभ्यास करो, उससे ज्यादा भी जी सकते हो। इधर मंत्र देता है परमात्मा 100 साल जीने का, इधर जब कोई संसार से चला जाता है तब व्यक्ति कहता रे भगवान की मर्जी थी। और जब शोक संदेश छपवाते हैं निमन वो शांति यज्ञ के लिए तब उसमें भी लिखवाते हैं हमारे प्रिय आदरणीय ईश्वर की इच्छा से अब इस संसार में नहीं रहे। ईश्वर की इच्छा कहां से आ गई? ईश्वर तो कहता है 100 साल तक जियो। जब व्यक्ति बोला महाराज जब परमेश्वर ये कहता है कि 100 साल तक जियो
तब उसने कोई फार्मूला तो दिया होगा जीने के लिए, बोला दिया फार्मूला तुम प्रयोग नहीं करते हो। बोले यदि फार्मूला प्रयोग करें तो जी सकते हैं 100 साल गारंटी से, एग्रीमेंट लिखवा करके। आयुर्वेद के कई ऐसे वेद हमारे यहाँ हरिद्वार में हैं, वो कहते हैं कि इस फार्मूले का प्रयोग करो और करो एग्रीमेंट लिखो, यदि 100 साल से ऊपर ना जिए तो बात कहना, गारंटी जो रखते हो रख लो, धन यदि कोई जुर्माने की बात हुए 100 साल तक जियोगे गारंटी है, आयुर्वेद के हमारे कई वेद कहते हैं। तो बोले फार्मूला कैसा, बोले फार्मूला ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, फार्मूला ऐसा। बोले ऐसा फार्मूला तो बड़ा काम का है, हर व्यक्ति संसार में अधिक से अधिक जीना चाहता है, कितना भी आयु का बूढ़ा व्यक्ति हो और उसे कहने के महाराज चलो चलने का समय आ गया, तैयार नहीं होता। कहता बाबा अभी तो काम बहुत बाकी है, अभी अभी आए हुए दिन कितने हुए हैं, 100 साल का 90 साल का हो जाए व्यक्ति संसार से जाना नहीं चाहता। ये तो शक्ति है कोई जो धीरे 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 समेट लेती है, लेकिन उस समेटने में भी अपना इसका कोई कारण नहीं होता। लोग कहते हैं क्या आयु निश्चित है, आयु निश्चित नहीं है। कोई कह के आयु लिखवा करके आते हैं जी इतने साल जीना है, नहीं लिखवा के, लिखवा करके तो है 100 साल से अधिक जीते, ये लिखवा करके आए, मंत्र में ऋषि देता है। बोले हाँ 100 साल से जीने की कामना करो और योग अभ्यास से उससे अधिक जियो, तो फिर आयु निश्चित कहाँ हो गई। वेद का मंत्र कहता है 100 साल तक जियो और योग अभ्यास से आगे भी जियो, तो निश्चित कहाँ हुई। हाँ मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, ये आनी ही है। कोई कहे कि मैं अमर हो जाऊंगा, नहीं, इस संसार के अंदर कितने राजा कितनी रानियां कितने महारथी कितने धनुर्धर कितने बलशाली लोग आए, सबको जाना पड़ा इस संसार से, जाना सबको पड़ता है, मृत्यु निश्चित है होगी, जो आया है जाना एक दिन पड़ेगा। इसलिए पथिक लिखता पाके सुंदर बदन तो किए जा भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, जो आया यहाँ एक दिन जाना पड़ा जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, कितने राजा गए कितनी रानी गई राजधानी का भी कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। लेकिन इस बात का भरोसा है कि व्यक्ति यदि चाहे तो 100 साल जी सकता। पूछा चरक से धन्वंतरी ऋषि से, महाराज आयुर्वेद में क्या ऐसा फार्मूला, आयुर्वेद वेद का ही एक अंग है, वेद से ही आयुर्वेद आया। बोले क्या ऐसा फार्मूला है, धन्वंतरी ऋषि चरक आदि संकेत करते हैं हाँ है, तो फिर बताओ ना। 100 साल तक जिएंगे, आनंद मनाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, संसार का उपकार करेंगे, अब कौन सा फार्मूला है। जब ऋषि लोग आयुर्वेद में संकेत करते हैं हित भूख, पूछा ये हित भूख क्या है, जब वेद के आयुर्वेद संकेत करता है इस संसार में रहते हुए जो हमारे शरीर के लिए हितकर भोजन है, भलाई वाला है, शरीर को उन्नति देने वाला है, उस भोजन को जब हम करते हैं तब व्यक्ति की आयु 100 साल से ऊपर हो जाती है। बोले हितकर भोजन, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, हॉट डॉग खाएं, चाउमीन खाएं, क्या खाएं। बोले ना, कहीं भी विधान नहीं आयुर्वेद में इन सब का, उसमें है रस वाले फल खावें, ड्राई फ्रूट खावें, दूध वाले अनाज खावें, अनाज के विषय में लिखा है, दूध के बारे में लिखा है, ड्राई फ्रूट आदि फल आदि इन्हें खाने का विधान किया हुआ है, ये शरीर के लिए हितकर हैं। लेकिन आगे संकेत भी करता है, बोले ये हितकर तो हैं, लेकिन इन्हें दवाई की तरह खाया करो। आज तो ड्राई फ्रूट की स्थिति ये आ गई साहब, एक जमाना था यदि किसी को बुखार चढ़ जाता था गांव में, जब हम रहते थे लीलोन गांव में, यदि बुखार चढ़ जावे तो एक बादाम की गिरी दे दे और पूछे आराम हुआ, बोले हाँ लाभ मिल गया, एक बादाम की गिरी खाने से भी आराम आ जाता था। अब मुझे स्मृति में है एक बार
बुखार बालकपन में हुआ तब मेरे पिता शहर में थे, माता जी बोली शहर जा रहे हो इसे बुखार है और शाम को उसके लिए सेव लेकर के आना। पिताजी सेव लेकर के आए और तब एक फांक खट करके हमें माँ ने दी, हमने खाई और खा करके कुछ देर बाद में पूछी भाई कुछ आराम मिला? क्या हाँ आराम मिल गया। एक सेब की फांक खाटने से आराम, एक बादाम की गिरी लेने से आराम हो जाता था। आज ड्राई फ्रूट टिक्की में, पनीर में, हलवे में, गाजर के हलवे में इतने सारे ड्राई फ्रूट हैं, काम ही नहीं हो रहा है। वो हितकर जो आपके शरीर के लिए हितकर भलाई वाले पदार्थ हैं वो खाने चाहिए। क्या बात हुआ करती थी कि व्यक्ति सिर्फ दो ही समय भोजन किया करता था, और आज तो नाश्ते का हमने चर्चा की थी, नाश्ता ही कितना ही हो गया आजकल तो, दिन में कई बार नाश्ते हो जाते हैं आजकल तो। वो भोजन करने चाहिए जो शरीर के लिए हितकर हो और औषधि की तरह भोजन को लें। तो बोले औषधि की तरह ही क्यों लें? बोले ये भूख भी एक रोग है, ये एक रोग शरीर को लगा हुआ है जो आया है, सनातन है, जीवन है, तो आपको भूख लगनी है, ये भी एक रोग है। और बोले इस रोग की औषधि क्या है? बोले इस रोग की औषधि अन्न है, भोजन है, ये करो। बोले ये अन्न औषधि कैसे हो गया? तब आयुर्वेद संकेत करता है, बोले ऋग्वेद से बात करो। ऋग्वेद के अंदर कई मंत्र ऐसे आए हैं जिनमें संकेत है। पूछा कि औषधि कौन सी है? तब ऋग्वेद संकेत करता, जो पौधे एक बार फल दे करके नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उन पे लगने वाला जो फल है वो औषधि है। जो वृक्ष, जो पेड़ पौधे एक बार फल दे करके नष्ट हो जाते हैं उन पे लगने वाला औषधि है। गेहूं का पेड़, गेहूं लगे पौधा नष्ट, मक्का लगी पौधा नष्ट, ज्वार बाजरा लगा पौधा नष्ट, चावल लगा पौधा नष्ट। इससे सिद्ध करता है वेद कि ये सब औषधियां हैं, इन्हें औषधियों की तरह लें। भूख के हिसाब से हमारी आवश्यकता शरीर को चलाने के लिए कितनी है उतना हम भोजन करें। जब उतना भोजन करेंगे, एक व्यक्ति बोला मान लिया महाराज ये जो इतने सारे ये जानवर हैं, पशु हैं, लोग इन्हें भी खाते हैं, इन्हें खाने में दोष क्या? बोले दोष है, निर्धारित किया गया मनुष्य का भोजन, मनुष्य के लिए जो रस वाले पदार्थ हैं, भोजन हैं, जिनमें रस होता है वो इनके लिए हैं, और जो पशु आदि हिंसक पशु हैं उनके लिए रक्त वाले हैं। रक्त वाले भोजन को करेंगे तो दूसरे को कष्ट दे करके आप भोजन करेंगे। अंडा तो, मांस तो, ये जो मांसाहारी लोग हैं, कितना सूर्य उदय से पहले कितने पशुओं की गर्दन पर छुरा चल जाता है, उन्हें दुख दे करके, उन्हें कष्ट दे करके लोग जो मांसाहार करते हैं, कितना बड़ा घोर पाप ये लोग करते हैं। इसलिए मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन रस वाला, रस वाले भोजन में कष्ट नहीं है किसी भी जीव को, रक्त वाले में है। इसलिए वेद कहता है कि हम हितभुक जो हमारी शरीर की भलाई के लिए, आप घर के अंदर कई बार अनुमान लगाएं, देखें, विचार करें कि जैसे पालक है, बथुआ है, आप उसे गुथवा करके आटे में उसकी रोटी बना लें और वो रोटी खाएं आप, तो रोटी का कचरा ज्यादा नहीं बनेगा, वो शरीर के आपको लग जाएगा और डकार आ जाएगी, मुंह से निकलेगा ओम। ये ओम ऐसा शब्द है, अंधा इसे बोले, गूंगा इसे बोले, बहरा इसे बोले, सब ओम बोल सकते हैं, मुंह से निकलता ही ओम है। जब डकार भोजन कर करके आती है तो ओम निकलता है, गूंगा बहरा सब इसे बोल देते हैं। तो जब आप ऐसे पदार्थ भोजन करते हैं तो शरीर के लगते हैं, आप हॉट डॉग खाएं, आप पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, शरीर के नहीं लगता, कचरा बन करके शरीर से बाहर, छुट्टी बात खत्म। पहले लोग कहां पानी की बोतल लेकर के चलते थे महाराज, सुबह भोजन कर लिया, तर भोजन किया और पानी नहीं पीते थे, दूध पीते थे, हमें याद है आज। हम गांव में जब रहते थे लीलोन में, तब सुबह ही भोजन कर लिया, और कहां इतना धन हुआ करता था, एक समय दाल या सब्जी बना करती थी, शाम के समय तो रोटी, नमक की रोटी होती थी और दूध, गुड़ या शक्कर का मीठा दूध का ये मुरादी वादी वाला गिलास और रोटी के साथ में वो खाते पीते थे।
और दही होती थी घरों के अंदर, मक्खन होता था घरों के अंदर। स्कूल से जब छुट्टी कर करके 4 बजे आते थे, दादी को बोलते थे, दादी भूख, बोले ऊपर छत के ऊपर हारे होते थे हमारे यहां, बोले मिट्टी के हारे ऐसे बनाते थे, उसमें जो उपले होते हैं गाय के गोबर के, उन ओपलों को लगा करके मिट्टी की इतनी बड़ी हांडी, उसके अंदर दूध रखा जाता था सुबह, और 4 बजे तक वो तप करके बिल्कुल लाल हो जाया करता था, और उसके ऊपर ये मोटी लेयर मलाई की होती थी लाल। दादी कहती थी, बोले जा भूख लगी तो दूध पी लो। हम जाते थे गिलास गिलास लेकर के ऊपर हांडी में से दूध लिया और थोड़ी सी मलाई काट करके वो दूध में डाल ली। वो जो दूध का स्वाद हुआ करता था, वो जो मलाई हुआ करती थी, कहां महाराज मिलती। और जब दूध में ले लिया, मलाई भी ले लिया, अब माता जी हमारी दादी भगीरथी देवी जब सुबह बिलोने के लिए बैठती थी तब वो देखती थी, अरे ये मलाई किसने काट रखी है। तब बोले अच्छा वो सलेश ही होगा, वो है उसने ही मलाई खाई है ये। लोग भूख लगती थी, प्यास लगती थी तो दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, पानी का तो नंबर ही नहीं आता था। पानी जब शुरू में लोग लेकर के चले, हमने इक्के दुक्के व्यक्ति को पानी की बोतल देखी तो लोग कहते थे बड़े फैशन में रहता ही है, पानी की भी बोतल लेकर के चलता है, इतने फैशन में है। कौन पानी पीता था? सुबह भोजन किया, शाम को भोजन करते थे, बीच में प्यास आने लगी तो दूध पी लिया, लस्सी पी ली, दही पी ली। और हम तो बड़े शौकीन हैं दूध पीने के। हमारे रुड़की से पहले एक स्टेशन पड़ता है, आप जाएंगे जब हरिद्वार, चुड़ियाला स्टेशन है, तो चुड़ियाला स्टेशन पे वही आश्रम है स्वामी अरण्य मुनि महाराज, अब वो नहीं रहे। एक बार उनके आश्रम पे हम रात को पहुंचे, जब पहुंचे कार्यक्रम में, तब बोले महाराज देर हो, मैं महाराज ट्रेन से या दूध से काम चल जाएगा। बोले दो गाय भी आई हुई है और दूध रखा हांडी में। उनका सेवक बोला आचार्य जी 3 किलो दूध है लगभग। तो महाराज जी बोले, स्वामी अरण्य मुनि बोले, शैलेश जी क्या दूध मीठा कर दे? मैं कहा करवा दे। सेवक बोला सारा ही मीठा कर दे? मैं सारा मीठा कर दो। बोले 3 किलो है तो कोई बात नहीं है, 3 किलो है। और ने 3 किलो दूध मीठा कर दिया और डाल करके ले आया, तो हमने पी लिया 3 किलो दूध। स्वामी जी बोले अरे वाह, खाते पीते घर के हो, यही तो एक पीने की चीज है संसार में, दूध पीना। अगर दूध भी ना पिया गया तो क्या पिया गया? आज पूछते हैं महाराज से, अरे दूध पीते हो? बोले नहीं आचार्य जी दूध नहीं पीते। जब दूध नहीं पीते हो तो पानी की तो बोतल उठाए ही घूमोगे। इसलिए दूध का, दही का, मक्खन का पहले तर भोजन हुआ करता था। किनके बच्चों के स्कूल में कौन बोतल लेकर के जाता था? आज तो बाजार से बैग भी वो आते हैं जिनमें बच्चों के स्कूल की बुक्स के साथ में बोतल का स्थान भी निश्चित होता है, और बैग के साथ में बोतल भी खरीदी जाती है, आले पानी भर करके लेकर के जाएगा। बच्चों को तर माल खिलाया जाता था, मक्खन के साथ में नमक की रोटियां खाई जा रही हैं, दूध लस्सी पी जा रही हैं। एक गिलास भैंस के दूध की लस्सी पी करके देखो तो नींद आनी शुरू हो जाती है। वहीं पे जो कहता है नींद नहीं आती मुझे, रात को जागता रहता हूँ, पियो लस्सी पता लग जाएगा। इसलिए आयुर्वेद कहता है हितभुक, जो हमारे शरीर के लिए हितकारी भोजन है, जो शास्त्रों में नीत है, दूध आदि फल आदि, उनका भोजन यदि हम करेंगे 100 साल तक जीवन जी सकते। बोले बस ये एक ही फार्मूला बहुत है? नहीं, आयुर्वेद कहता ना दूसरा और सुनो। बोले क्या? अब हितभुक के बाद में कहते हैं मितभुक। बोले मितभुक क्या है? बोले जब भूख लगे तब भोजन करो, जब टूट करके भूख लगे तब भोजन करो, और यदि भूख है ही नहीं मत करो भोजन, शाम को भी मत करो। ये क्या रूटीन में? बोले भोजन करना ही है, नहीं करना। यदि भूख नहीं है तो मत करो शाम को भोजन, कोई दिक्कत शरीर में आने वाली नहीं है। जब भूख लगे तब भोजन करना 100 वर्ष तक जीवन जीने की गारंटी देता है आयुर्वेद। यदि भूख लगने पर भोजन आप करेंगे, क्या कमाल की होती है ये भूख। जब आपको भूख ना हो तब आपके सामने रसगुल्ले रख दें, जो रसगुल्ला मुंह में रखते ही अपने आप घुल जाता है। और भूख आपको ना हो रसगुल्ले खाएं तो दांत से काट करके खाना पड़ेगा आपको, क्यों? भूख तो है ही नहीं, जबरदस्ती खा रहे हैं। जो जबरदस्ती भोजन किस लिए? ये जबरदस्ती फालतू का किया हुआ भोजन ही शरीर को बिगाड़ करके रख देता है, और जब शरीर बिगड़ जाता है तो कहां सो पकड़े, 50-60 में चलने का नंबर आ जाता है।
इसलिए आयुर्वेद गारंटी देता है इस बात की कि जब भूख लगे और ये भूख में जो भोजन हम करते हैं, यदि रात की रखी हुई रोटियां भी हो ना, जिन्हें लोग कहते हैं बासी, ये बासी नहीं होती है, ताजी होती है। आज लोगों ने इन रोटियों को हम देखते हैं, मेरे आश्रम के आर्य समाज के बारे में मैंने देखा, रात की रोटियां ला करके वो माता पीपल के पास में रख हैं, बोले खुद तो ताजी खाती है, पीपल को बासी खिला रही है रात की रखी हुई, ये बासी नहीं होती है। एक परिवार में हम लोग गए, रात्रि में विश्राम किया, सुबह जब स्नान आदि संध्या कर करके जलपान के लिए बैठे तो वो माता दूध लेकर के आई और एक प्लेट में बिस्कुट लेकर के आई। तब जब बिस्कुट लेकर के आई, मैंने कहा माता जी रोटी नहीं रखी क्या कोई? हाँ, तो बोले अरे आचार्य जी रोटी तो रात की रखी है, बासी है, ये बिस्कुट खाओ ना, ये ताजे हैं। मैंने बिस्कुट का पैकेट उठा करके देखा, है माँ इसके ऊपर तो लिखा हुआ है 6 महीने पहले की डेट पड़ी हुई है इसके ऊपर, तो ये जो पैकिंग है बिस्कुट का, ये तो 6 महीने पहला पैक है, और जो तुमने रात ताजी रोटी बनाई है अपने हाथ से घी में चुपड़ करके रखी हुई है, उन्हें तो अभी 12 घंटे हुए हैं, उन्हें 12 घंटे वाली रोटियों को तुम बासी बता रही हो, और ये जो 6 महीने पहले का पैक बिस्कुट का पैकेट है इसे ताजा बता रही हो। अरे माँ वो रोटी लेकर के आ जो तूने बनाई थी, और लेकर के आई मक्खन हमने लगा करके दूध के साथ में जो खाई, उससे जो रस बना परमात्मा ने बनाया, कचरा बनता ही नहीं, सारा शरीर को लग गया। हम ताजे के नाम पर वो कितने दिनों का पैकिंग बासी भोजन हम ग्रहण करते हैं, और घर में जो शुद्ध पवित्र मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से बना हुआ भोजन है उसे बासी समझ करके बाहर फेंक देते हैं। इसलिए जब भूख लगे टूट करके, तब यदि हम भोजन करते हैं और किए हुए भोजन में से रस ही रस बनता है, कचरा निकलता ही नहीं। इसलिए आयुर्वेद गारंटी देता है कि जब भूख लगे यदि आप तब भोजन करते हैं तो उस भोजन से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, वो सारा भोजन आपके शरीर के लग करके आपके शरीर को पुष्ट बनाने वाला होगा, और गारंटी देगा इस बात की कि 100 साल तक ही जियोगे। ये दूसरा फार्मूला है। बोले बस, तब आयुर्वेद कहता तीसरा फार्मूला और सुन लो, इन तीन फार्मूले को जो अपना लेता है वो 100 साल तक गारंटी एग्रीमेंट करो 100 साल तक ही जिएगा। बोले तीसरा फार्मूला क्या है? तो तीसरा, पहला हित भूख, दूसरा मित भूख, और तीसरा कहते हैं रित भूख। बोले ये रित भूख क्या है? बोले मेहनत पुरुषार्थ करने के बाद में, पसीना बहाने के बाद में, अपनी उस आय में से जो आपने पैसा बहा करके, पसीना बहा करके अर्जित की है, उस मेहनत पुरुषार्थ की कमाई से अन्न आवे, उस अन्न से घर में मेहनत पुरुषार्थ कर करके शरीर से, तब उस भोजन को करो। मेहनत पुरुषार्थ से कमाओ और मेहनत पुरुषार्थ कर करके ही भोजन करो। आज हम हाथ पैर कुछ हिलाते नहीं है, देर से सो करके उठते हैं, उठते ही बेड टी हमें चाहिए, बढ़िया तर नाश्ता चाहिए, फिर बढ़िया तर शाही पनीर आदि भोजन में चाहिए। शरीर से कोई शर्म नहीं किया, मेहनत नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये भोजन करे क्या? जो रात किया था वही सुरक्षित रखा हुआ है। जब हम भोजन करते हैं और मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का भोजन हम करते हैं, तब मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का भोजन भी शरीर की इस आयु को बढ़ाने वाला होता है, आयु को लंबी कर देता है। और यदि भोजन पाप वाला हो, किसी को धोखे से, छल से, ठगी कर करके पैसा कमा करके आप आकर के बेसन का हलवा, गाजर का हलवा बनवाओ, तो वो गाजर का हलवा तुम्हारे लिए अमृत नहीं, जहर का काम करेगा, किसी न किसी रोग को उत्पन्न कर देगा। और याद रखो कि शरीर के अंदर से निकलने वाले किसी भी वेग को ना रोका करो। आज ये भी फैशन बन गया है, यदि गैस रिलीज होनी है तो होए, आपको टॉयलेट जाना तो जाओ, शौचालय जाना तो जाओ, ढकार आनी है तो आए, गैस रिलीज होनी है तो होने दो, जब भाई आए तो आने दो, शरीर से निकलने। कई बार लोग बैठे रहते हैं, अरे महाराज बैठे हैं तो कोई क्या कहेगा। शरीर से यदि आपको टॉयलेट जाना है, शौचालय में जाना है, जब भाई आ रही है
इन वेगों को रोकना नहीं चाहिए। यदि इन वेगों को आप रोकेंगे तो ये वेग कहीं ना कहीं शरीर की कोई दूसरी सेफ्टी वाल्व खोल करके कहीं और चले जाएंगे, एक नया रोग पैदा हो जाएगा। इसलिए चाहे 10 लोगों में हो चाहे घर में हो, हमारे यहां एक पंडित देवीचंद जी थे, जब काम करते रहते थे तो जब गैस रिलीज होती थी तब कहते हाँ भाई अब समझ में आ गया, मिल गया संकेत के स्वास्थ्य बढ़िया है, हाजमा ठीक है। आज व्यक्ति फैशनेबल इतना हो गया है कि ये सब वेग रोके बैठा है, दुकान पे व्यापार में धन कमाने में लगा रहता है, फिर ये वेग कहीं ना कहीं सेफ्टी वाल्व खोल करके और कहीं चला जाता है, शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए शरीर से निकलने वाले वेग को मत रोको, तुरंत जाओ और मेहनत और पुरुषार्थ की कमाई से और पसीना बहाओ, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अंतिम सांस तक। जब रोज खाते हो, रोज नाश्ता करते हो, सारे कार्य रोज करते हो तो फिर मेहनत पुरुषार्थ भी रोज ही करो। ऋषि मुनि लोग जो हमारे हुआ करते थे, निठल्ले नहीं बैठा करते थे, बड़े बड़े आश्रम थे, जमीने थी, उनमें खेती करते थे, हल चलाते थे, सुबह से शाम तक पसीना बहाते थे और सुबह शाम ध्यान में बैठ करके भी पसीना ही बहाते थे। एक व्यक्ति बोले महाराज ध्यान में बैठने वाले को तो कहते हैं तो आराम में बैठा, मस्ती में बैठा, नहीं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज इस संसार में नहीं रहे, जिनका योगधाम पतंजलि योगधाम कनखल के अंदर है, तब वो कहा करते थे अपने प्रवचन में, खेत में काम करने वाला किसान जैसे एडी से लेकर के चोटी तक पसीना बहा करके कार्य करता है, यदि व्यक्ति ध्यान में एकाग्र मन कर करके प्रभु की उपासना में बैठता है उसको भी उतना ही श्रम पुरुषार्थ करना पड़ता है जैसे खेत में काम करने वाला किसान यदि ईमानदारी से बैठे। आप ऐसी नाटक करें आंख बंद कर करके बैठ जाएं वो अलग बात है। इसलिए वो आदरणीय बदपुरुषो मातृशक्ति, अपने इस मंत्र को सार्थक करो, 100 साल तक जीने की कामना किया करो और पहले ही ना बोल दिया करो हे प्रभु उठा ले। प्रभु किसी का पल्लेदार नहीं लगा हुआ कि वो उठा लेगा, तुम उठते हो तो अपनी मर्जी से और जियोगे तो अपनी मर्जी से। विषम पिता मैं संकल्प लेते हैं कि मैं जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाएगा प्राण नहीं त्यागूंगा और तब तक वो रहे। ऐसे ही यदि आप 100 साल तक जीवन जीने की कामना करेंगे और इन तीनों फार्मूलों पर अमल करेंगे तो आयुर्वेद गारंटी देता है लिख करके कि आप 100 साल पार कर करके जाएंगे। फार्मूला हित भूख, जो शरीर के लिए हितकारी भोजन परमात्मा ने निश्चित किया है उस भोजन को करें। मित भूख, जब भूख लगे, टूट करके भूख लगे तब भोजन करें। और ऋत भूख, मेहनत और पुरुषार्थ के कमाई के द्वारा तब भोजन हम करते हैं, तब आयुर्वेद गारंटी देता है कि 100 साल तक का जीवन आपको निर्धारित हो जाएगा। उसके बाद भी योग अभ्यास आदि कर करके आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। आयु का एग्रीमेंट लिखित में नहीं होता, आप चाहें तो आयु बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो आयु घटा सकते हैं। गलत खान पीन के कारण, बिना व्यायाम आदि के कारण पुरुषार्थ न कर करके भोजन करेंगे तो अल्प आयु में ही जाना पड़ जाएगा। इसलिए 100 साल जीने की कामना करो और 100 साल तक जीवन जीते हुए वेद पढ़ें, वेद को देखें, वेद को सुनें, वेद को कहें, यही परमात्मा का संदेश है। संदेश को जीवन में धारण करेंगे तो जीवन में आनंद होगा। इसलिए जीवेम श्रद्धा सतम, आप सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ओम शमशम ओम देवभु शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति रेव शांति शाम शांति रेहि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की
स्वामी विजयानंद की, स्वामी शरदानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते जी।